सो गाइस, जो आपको ये सामने दिख रहा है 64,000 रुपीज, ये मैंने जस्ट इंस्टाग्राम का यूज करके और ईमेल मार्केटिंग का यूज करके जनरेट किया। अगर गाइस मिनिमम आसानी से एफिलिएट मार्केटिंग से 1 लाख रुपए मैं आसानी से कमा लेता हूँ, राइट, और उससे ज्यादा। बट आप नहीं कमाते हो एज अ बिगिनर, क्यों नहीं आपकी फर्स्ट सेल आती है एज अ बिगिनर, ये सारे सीक्रेट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप सच में समझना चाहते हो कि क्या चीज है जो काम करती है, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, जिसकी वजह से आप ये कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, मतलब कि लाखों रुपए या करोड़ रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से कमाना चाहते हो, या कुछ भी लाइक किसी भी बिजनेस से या कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो इस सीक्रेट को जानने के बाद। बिकॉज ये सीक्रेट मैंने नहीं, बड़े बड़े लोगों ने अप्लाई किया है जिसको आप देखते हो, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से सही से समझना और तुरंत आप इसको अप्लाई भी करना। लेट्स गो। सो गाइस केयरफुली सुनो और शुरू से समझो कि ये चीज कैसे काम करती है, राइट। जब मैं शुरू शुरू में एफिलिएट मार्केटिंग में आया था, ये 2016 वाला तक की बात है, राइट, 2016-17 उसके आगे उससे पहले की बात है, राइट। सो मैंने जब आप अगर मेरी जर्नी देखोगे इस वीडियो में, तो मैंने बताया था कि मैं स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे सर्च करना और इधर उधर सर्च करता था, राइट, और उस समय उतना नेट नहीं होता था तो मैं गूगल में भी सर्च करता था, बहुत ज्यादा आर्टिकल ब्लॉग्स ये सब पढ़ता था। बट एक चीज थी, जब भी मैं ये सारी चीजें रीड करता था, मैं देखता था कि लोग पैसे बना रहे हैं, बट मेरे अंदर से था कि मैं इससे लाखों रुपए नहीं कमा सकता, राइट, क्योंकि मेरे को यकीन नहीं होता था कि ऑनलाइन में ऐसा होता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद क्या किया मैंने कि मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया। जब यूट्यूब पे नेट आ चुका था, तो मतलब ये जियो आ चुका था, नेट बहुत ज्यादा सस्ता हो गया था इंडिया में, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च करना स्टार्ट किया। आपको पता होगा कि मैंने 2.5 साल तक कुछ नहीं कर पाया था, मैं एफिलिएट में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया था, राइट, और यू कैन से कि 1.5 साल तक, क्योंकि 1.5 साल तक मेरी सेल भी नहीं आ पाई थी, राइट, फर्स्ट सेल जिसको बोलते हैं, तो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इन जो 1.5 साल या 2.5 साल आप बोल लो, इसके बीच में जो मैंने जो पूरा काम किया है, वो काम क्या किया है कि मैंने बहुत वीडियोज देखे, मतलब कि मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स देखे हैं, बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, एंड उनसे बहुत सारा सीखा, राइट। तो ये पूरी जर्नी में एक चीज समझ में आई, दैट इज कॉल्ड योर माइंडसेट, राइट। जब माइंडसेट ये बन गया कि हाँ, मतलब बिलीव होने लगा, हाँ, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग ह्यूज, राइट। तो ये बिलीव को मेरे दिमाग में बनने में 1.5 साल लग गए, यू कैन से कि 1.5 साल तक रात दिन सुबह शाम नोट बनाने के बनाया, वीडियोस देखने के बाद जाके ये माइंडसेट बना कि यस, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप महीने के लाखों रुपए और करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हो बहुत ज्यादा इजी, राइट। अगर आपको कुछ टैक्टिक्स समझ आए, मैं टैक्टिक्स के अंदर नहीं जाने वाला, लाइक मार्केटिंग के अंदर, कॉपीराइटिंग के अंदर, लैंडिंग पेज, ईमेल मार्केटिंग, इसके अंदर नहीं जाने वाला, मैं बस बोल रहा हूँ कि कुछ टैक्टिक्स अगर आप समझ लें, ठीक है, बट उससे जो पहले का काम रहता है उसको बोलते हैं माइंड। तो इस पूरे ड्यूरेशन में मेरा ये माइंडसेट और आप बोल सकते हो सबकॉन्शियस माइंड, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करने लगता है ना, तो आप उस चीज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, यू नो। अब इसको ऐसे समझो कि आपने किसी चीज की विश की हो कभी, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं कभी किसी चीज की विश किया और वो चीज पूरी हो गई, राइट। जरूरी नहीं है कि तुरंत हो जाए, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो चीज पूरी हुई, हो सकता है आपके साथ हुई होगी, अगर आपके साथ हुई है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, बिकॉज ये काम करती है। मान लो आप एक बाइक खरीदना चाहते हो और उस बाइक के बारे में आपने सोच लिया है कि मैं ये बाइक खरीदूंगा, तो देखना आप कुछ भी करने जाओ, कहीं भी करने जाओ, मतलब तो कोई और गाड़ी भी खरीदने जाओ, एट द एंड आप उस चीज को खरीद लेते हो। या ये सोचो ऐसा कि आपने कोई कपड़ा खरीदना है आपको, ठीक है, और आप मार्केट में जा रहे हो उस कपड़े को खरीदने, आपने पहले उसको मोबाइल में देख लिया कि मैं ये कपड़ा खरीदूंगा, मार्केट में गए आप बहुत सारे कपड़े देखे, बट एट द एंड आपने वही कपड़ा खरीदा जो आपने देखा था, ये आपके साथ हुआ है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, बिकॉज जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था उन लोगों को भी समझ में आ रहा, तो कमेंट करके बताओ क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। यस, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने बहुत सारी चीजों को इमेजिन किया है, देखा है, एंड एट द एंड जाके मैं उन चीज को खरीद लेता हूँ, राइट। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बिकॉज ये सबकॉन्शियस गेम होता है, राइट। जैसे कि मैंने उतना टाइम लगाया उन चीजों को अपने दिमाग में बैठाया, अपना एक माइंडसेट बनाया, यस,
एनीथिंग वी कैन अचीव फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। प्लीज आप भी ये चीज लिखो नीचे कमेंट में, लिखो एनीथिंग वी कैन अचीव फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, और यू कैन से एनीथिंग आई कैन अचीव फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। जब आपका ये माइंडसेट रेडी हो जाएगा ना, तो आप पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल बनाओगे। ट्रस्ट मी इट्स वर्क। मैं आपको अपनी स्टोरी से बता रहा हूँ, इट्स वर्क। जब भी मैंने किसी चीज की इमेजिन किया, लाइक मैंने इमेजिन किया कि मैं आज इस महीने 50,000 रुपए कमाने वाला हूँ, तो अब वो 50,000 रुपए तुरंत बोलूंगा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इमेजिन कर लिया मैं 50,000 रुपए कमाने वाला हूँ, मैंने कॉपी पे लिख लिया मैं 50,000 रुपए कमाने वाला हूँ, मैंने बोर्ड पे लिख लिया कि मैं 50,000 रुपए कमाने वाला हूँ, मेरा रूम में एक बोर्ड है, मैंने बहुत सारी वीडियो में भी आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाकर चेक करो, मैंने बहुत सारी वीडियो बोर्ड के सामने बनाई है तो आपको दिख जाएगा। तो मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ कि मैंने मुझे 50,000 रुपए इस महीने कमाने हैं। मैं अपने लैपटॉप के सामने स्क्रीन पे लिख देता हूँ मुझे 50,000 रुपए इस महीने कमाने हैं। तो अब क्या होता है, वो 50,000 रुपए वो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। फिर उसके बाद आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, ट्रस्ट मी, वो उस चीज को अट्रैक्ट करने लगता है। एक बार अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो मुझ पर, तो ये चीज आजमा के देखो। माइंडसेट इज द गेम। आप कहीं भी, किसी भी इंटरनेट से, किसी भी गुरु से, किसी भी आदमी से जो सक्सेसफुल है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ, आप उससे जाके पूछ लो, व्हाट इज द गेम बिहाइंड योर एम्पायर, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। जब तक यहाँ पर बिलीव नहीं करोगे कि आपको अपना पहला सेल चाहिए या 1,00,000 रुपए कमाना है, आप नहीं कमाओगे। और यही चीज है जो मैं हमेशा अपने कोई भी ट्रेनिंग्स हो या कोई भी मेरे कोर्सेज, अगर आप मेरे कोर्सेज के बारे में नहीं जानते हो और अपना पहला सेल एफिलिएट में निकालना चाहते हो और लाखों रुपए कमाना चाहते हो मेरे जैसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी और आप खरीदो मेरे कोर्स को, बिकॉज वहां मैं आपके माइंडसेट पे भी काम करवाता हूँ। तो अगर आपका माइंडसेट पावरफुल होगा ना, आप बैठा लोगे अपने दिमाग में और इसको ना बैठने में अगर आप फोकस से काम करोगे, तो सिर्फ 1 हफ्ता 1 महीने से ज्यादा नहीं लगता। जब ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना कि आप 1,00,000 रुपए इजी कमा सकते हो, ट्रस्ट मी यू कैन मेक 1,00,000 रुपीज इजी। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको 1,00,000 रुपए कमाना है, राइट, आपने बना लिया दिमाग में हाँ मैं 1,00,000 रुपए कमा सकता हूँ, माइंडसेट बन गया, बट माइंडसेट के बाद जो मेन चीज होता है दैट इज कॉल्ड वर्क। अब आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको मान लो 1,00,000 रुपए महीने कमाना, राइट, और मान लो इसको $1,000 ले लेते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप $50 का सेल कर सकते हो, तो आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी ये अपन देख लेते हैं। तो अगर मान लो 50 × 20, राइट, तो ये आपका 1,000 हो जाएगा। 50 × 20 $1,000 कमाना कितना इजी है, समझ लो। सिर्फ 20 लोगों को $50 की चीज सेल करना है। अब आपने ये समझ लिया कि भाई मुझे 20 सेल चाहिए इस महीने, आपने बोर्ड पे लिख लो मुझे 20 सेल चाहिए, $50 का एक प्रोडक्ट, राइट। अगर कम का है तो आपको ज्यादा सेल चाहिए, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा का है तो कम सेल चाहिए। मान लो आपका प्रोडक्ट $100 का है तो आपको 10 सेल चाहिए। अब मान लो मेरे पास 30 दिन है, मुझे डेली 10 लोगों तक मेरे प्रोडक्ट को पहुंचाना है। 30 दिन में आप 300 लोगों तक पहुंच जाओगे अगर सिर्फ 10 लोगों को डेली पहुंचाते हो। अब 10 लोगों के आप 50 लोगों को भी डेली पहुंचा सकते हो, क्योंकि आप महीने के 70,000 रुपए कमाने वाले हो। आप समझ लो 70,000 रुपए कितना ज्यादा होता है इंडिया में, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज अ बिग अमाउंट इन इंडिया, राइट। तो अब वो दिमाग में बैठा लो कि मुझे डेली के 30 लोग या 10 लोगों तक पहुंचाना है, एटलीस्ट मिनिमम 10 लोगों तक पहुंचाओ। तो आपने महीने में 30 लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। अब यहां पर आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, राइट। आपको कॉपी राइटिंग आना चाहिए, आपको लैंडिंग पेज बनाने आना चाहिए, आपको ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको पूरा सेटअप आना चाहिए कि आपको पूरा सेटअप कैसे जमाना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये सब बेसिक है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग होंगे जिसका आप वीडियो देखते होंगे, वो बोलते होंगे कि 1 करोड़ कमाओ, 1,00,000 कमाओ, और जस्ट वो आपको बता देते होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। मैं वैसा आदमी नहीं हूं, राइट, मैं वैसा नहीं बताता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ भाई आपको नीचे उतर के काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। जब तक काम नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं आएगा, राइट। मैं उन गुरुज के जैसे, उन ट्रेनर्स के जैसे नहीं हूँ कि मैं बोल दूंगा कि भाई आप मेरे कोर्स में आओ एंड यू विल बी सक्सेसफुल। नो, नेवर नेवर हैपन, इट विल बी नेवर नेवर एवर, कभी नहीं होगा ये, राइट। अगर आपको इसको प्रूव करना है, कंप्लीट करना है, हाँ मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बट कभी मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, बिकॉज आपको काम करना है। मैं ओनली आपको राइट वे बता सकता हूँ, दिस इज द राइट वे।
मतलब कि अगर मुझे मान लो राहुल के घर जाना है, आपने मुझसे पूछा राहुल का घर कहाँ है, मैं बोलूंगा उधर से जाओ सीधा राहुल का घर आ जाएगा। बट वहीं अगर आपको नहीं पता हो तो आप पूरे मोहल्ले वाले इधर तो घूमोगे, देन राहुल का घर मिला या ना मिला क्या पता, वैसे आप वापस चले जाओगे, राइट। सो आई कैन ओनली टीच यू द राइट वे। अब वो राइट वे मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए आपको पहले अपना माइंड सेट तैयार करना है, जो मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ उसको समझना है, एंड उसके बाद जो मेन चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं उसको सीखना है, एंड उसके बाद आप लाखों रुपए भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आप रियली वर्क करते हो, आप रियली अपना 100% देते हो, अपने माइंड सेट को सही करते हो, सो यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, समझना है, फास्टली चलना है, तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट एंड जाओ अभी के अभी सीखना स्टार्ट करो। 90% ऑफ चल रहा है, बहुत जल्द इसका रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम बाय बाय।